उचाना में खराब हुई फसलों की गिरदावरी की मांग को लेकर किसानों ने रोष मार्च निकाला, जिसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान बारू राम ने की। वहीं इस दौरान नारेबाजी कर तहसील में अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान ने मांग करते हुए कहा कि कपास की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए, काफी जिलों से कपास की फसल सारी खराब हो चुकी है। सरकार ने नाम मात्र गिरदावरी करके किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। कपास की फसल है सारा हरियाणा में खराब हो गई, भिवाणी में, सिरसा में, फतियाबाद में, हिसार में, इनमें तो गिरदावरी चल रही है। और ऑर्डर जींद के भी हैं, जींद में गिरदावरी क्यों नहीं करवा रहे सरकार, इसके बारे में ज्ञापन है। अगर या ईब गिरदावरी नहीं करवाई तो हम सड़कों पर भी आने को तैयार हैं। वहीं गिरदावरी को लेकर एसडीएम राजेश खोत ने कहा कि हमने गिरदावरी शुरू करवा दी है। फूल सिंह शिवकंद गिरदावरी में शामिल थे। कहीं पर नुकसान 25% तो कहीं पर 50% है। जहां पर जो नुकसान होगा गिरदावरी के आदेश सरकार देगी। को साथ ले जा करके किया है, अकेले अधिकारियों कर्मचारियों ने नहीं किया है, साथ में प्रतिनिधि को लेके गए हैं साथ में। ठीक है जी, 80% भी नुकसान है और 10% भी नहीं है। ठीक बात है, तो सर्वे तो सारा होना जरूरी है। ऐसा है तो हमारा तो ज्ञापन यू इसलिए है, मतलब दोबारा सर्वे आपका ज्ञापन जी, आपका ज्ञापन सिरमत थे, पर गिरदावरी के आदेश सरकार देती है। ठीक, हमें डीसी साहब से मिला नहीं तो आप मिले, मैं अपनी रिपोर्ट जरूर भेजूंगा। बहरहाल भारतीय किसान ने सरकार को चेताया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम करेंगे। उचान से सतीश कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।